वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा युद्ध शहीद स्मारक से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक केंद्र सरकार के खिलाफ रोष यात्रा निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व सैनिकों ने उपायुक्त बिलासपुर आदिब हुसैन सादिक के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में वन रैंक वन पेंशन को लागू करते समय उनके साथ धोखा किया है। वन रैंक वन पेंशन के तहत केंद्र सरकार ने एक सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक की पेंशन में मामूली बढ़ोतरी कर पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया है। साथ ही पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने अफसरशाही को आसमान पर और निचले स्तर के सैनिकों को गुमराह करते हुए छलने का काम किया है, जिससे पूरे देश प्रदेश के वेटरन सैनिकों में भारी नाराजगी है। डीसी उपायुक्त महोदया को यह ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूँ, जो कि हमारी जंतर मंतर दिल्ली में हमारे पूर्व सैनिकों की मांगों के समग्र के बारे में जो है यह ज्ञापन हमने डीसी साहब को सौंपना है, क्योंकि हमारे साथ ओआरओपी में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। हमारे ओआरओपी वन और टू में जो हमारा 90% जेसीओज ओआर का जो हिस्सा था वो सारा ऑफिसर्स को दे दिया गया है, और हमारी 97% जेसीओज ओआर की स्ट्रेंथ है और 3% ऑफिसर्स है, परंतु इसमें जो है ना नीति निर्धारण करने वाले हमारे ऑफिसर है, तो उन्होंने अपने अपने लिए सारा कुछ सारा का सारा धंधा अपने अपने फेवर में ही कर लिया है। हमारी डिसेबिलिटी पेंशन में भी बहुत ज़्यादा फेर बदलाव किया है। डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स के लिए इन्होंने लाखों रुपए कर दिए हैं, जबकि जेसीओज ओआर के लिए मात्र 9,000-8,000 जो है डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। उसके बाद एमएसपी जो हमारी है, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे का मतलब है कि युद्ध स्थिति में काम करने वाले सैनिकों को जिस तरह की पेंशन दी जाती है वो सभी को समान मिलनी चाहिए, जबकि अफसरों को इसमें भी बड़ी भारी डिस्पैरिटी कर दी है। तो हम चाहते हैं कि इन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी जो सैनिक विधवा है उनकी जो है सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पेंशन का परसेंटेज सिर्फ 30% रह जाता है, कि जबकि उसके मरने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है, इसलिए उसको सर्विस पेंशन के बराबर पेंशन दी जानी चाहिए। ये हमारी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए।